नमस्कार साथियों, आज से हम एमएस वर्ड का दूसरा टैब यानी इंसर्ट टैब शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे विनती है, अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को एक्टिव कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको बेहतर तरीके से अगले वीडियोस हम प्रोवाइड कर सकें। तो बिना विलंब किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट का अर्थ होता है सम्मिलित करना, और हमारे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब के द्वारा हम तरह तरह के ज़रूरी ऑब्जेक्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे टेबल, पिक्चर। यहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सामने टेबल है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट, तरह तरह के शेप्स हैं, वर्ड आर्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट्स को हम अपने डॉक्यूमेंट में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो सबसे पहला है कवर पेज। कवर पेज का मतलब, जैसे हम स्कूल या कॉलेज के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट में सबसे पहला एक पेज हमें लगाना होता है जिसमें स्कूल या कॉलेज का नाम, लोगो, हमारे प्रोजेक्ट की सारी डिटेल, हमें गाइड करने वाले फैकल्टी की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए पहले से बने बनाए कवर पेजेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ भी सकते हैं। इंसर्ट ए फुली फॉर्मेटेड कवर पेज, मतलब कि पहले से फॉर्मेट किया हुआ, पूरी तरह से तैयार किया हुआ कवर पेज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। और इस कवर पेज में हम टाइटल, ऑदर यानी कि लेखक कौन है, डेट और इस प्रकार की और भी बहुत सारी डिटेल्स को यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक कवर पेज इंसर्ट करते हैं। पहले मैं इस पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कंट्रोल स्क्रॉल करके, ठीक है। तीन पेज है हमारे सामने, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कई सारे कवर पेजेस हमारे पास अवेलेबल है। जो भी कवर पेज हमें पसंद आए वो हमने सेलेक्ट किया। तो जितने भी पेजेस थे उन सभी में सबसे पहले वाले पेज के स्थान पर कवर पेज इंसर्ट हो चुका है। अब कंट्रोल प्लस स्क्रॉल करके हम पेज को थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि दिखाई दे कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आपको कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे टाइप द कंपनी नेम, तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया ज्ञान बूस्टर कंप्यूटर शाला, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपने डाल दी, और इससे संबंधित और भी जानकारियाँ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब इसके साथ में एक फॉर्मेट टैब भी एक्टिवेट हो जाएगा, और फॉर्मेट का मतलब अलग अलग कई सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, जैसे इंसर्ट टैब के लिए एक टाइटल है, सब टाइटल है, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं। इनके साथ में एक फॉर्मेट टैब एक्टिवेट हो जाता है, और इस फॉर्मेट टैब का यूज़ करके इन सभी शेप्स को हम फॉर्मेट भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी हमें उचित लगे, ठीक है। अलग अलग शेप में अलग अलग फॉर्मेटिंग की जा सकती है, अलग अलग कलर किए जा सकते हैं, ठीक है, आउटलाइन या शेप फिल। तो ये सारे टूल्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इंसर्ट टैब के दौरान, जब हम शेप्स के बारे में बात करेंगे इस दौरान इनके बारे में और डिटेल्स में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अब इस कवर पेज को अगर हटाना है तो हटाने के लिए भी तरीका वही है, इंसर्ट टैब, कवर पेज और रिमूव करंट कवर पेज। तो कवर पेज आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब कवर पेज की आमतौर पर तो ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है, क्योंकि जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट के लिए कवर पेज बनाना होता है तो हमारे पास पिक्चर, टेबल, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, वर्ड आर्ट, इन सारे ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम एक बेहतर तरीके से या मनपसंद तरीके से कवर पेज हम डिज़ाइन करते हैं। इसलिए आमतौर पर आपको इसकी ज़रूरत तो पड़ने नहीं वाली है, लेकिन अगर आपका काम इससे आसानी से हो जाए तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी आवश्यकता अनुसार एक कोरा पेज इंसर्ट करना। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए हमने कोई फाइल बना ली है और बीच में कहीं कोई कुछ जानकारियां हम लिखना भूल गए हैं, तो जहां पर भी हम चाहते हैं वहां पर हमने क्लिक करके कर्सर रख दिया और एक नया कोरा पेज इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद उस ब्लैंक पेज पर हम टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अलग अलग पैराग्राफ पर अलग अलग कलर किया हुआ है, जैसे पहला पैराग्राफ रेड कलर में है और दूसरा ब्लू कलर में, और पहले पैराग्राफ के बाद में मुझे एक नया पेज इंसर्ट करना है, तो मैंने फर्स्ट पेज के लास्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में देखिए एक क्लिक करके कर्सर रख दिया है, ठीक है। और इंसर्ट पेज पर जैसे ब्लैंक पेज पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया कोरा पेज रेड पैराग्राफ के बाद में इंसर्ट हो गया है और ब्लू वाला पैराग्राफ नीचे आ गया है। पेज को थोड़ा छोटा करके हम देखते हैं, ये देखिए रेड वाला पैराग्राफ और ये ब्लू वाला पैराग्राफ, दोनों के बीच में कर्सर था तो दोनों के बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया है। मतलब ये कि जहाँ पर भी कर्सर होगा वहाँ पर ब्लैंक पेज ऑप्शन से एक कोरा पेज इंसर्ट हो जाएगा। अब कर्सर चाहे शुरुआत में हो या पेज के बीच में कहीं पर हो या आखिर में हो,
तो जहाँ पर भी हम कर्सर रखेंगे और ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो एक नया कोरा पेज उसकी वजह से इंसर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब जहाँ पर भी हमारा कर्सर है वहाँ से पेज को दो भागों में तोड़ सकते हैं। मतलब ये है कि कर्सर वाली पोजीशन से के बाद में जितना भी टेक्स्ट है वो सीधा अगले पेज पर चला जाएगा। जैसे मैंने लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 तीन चैप्टर बनाकर रखे हैं और पहले पेज पर लेसन 1 होना चाहिए और लेसन 2 दूसरे पेज पर होना चाहिए, लेकिन मैंने एक ही पेज पर सारे कर रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लेसन 2 जो है वो अगले पेज पर चला जाए। तो इसके लिए मेरे पास तरीका है, लेसन 2 टेक्स्ट के आगे मैं क्लिक करके कर्सर रखूँगा और पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो देखिए लेसन 1 पहले पेज पर रह गया है और कर्सर के बाद में जो लेसन 2 लिखा हुआ था, लेसन 2 के बाद वाली सारी चीज़ें नीचे आ गई अगले पेज पर। ऐसे ही लेसन 3 पर मैंने क्लिक करके कर्सर रखा तो कर्सर यहाँ पर आ चुका है। पेज ब्रेक पर क्लिक किया तो लेसन 2 सेकेंड पेज पर रह गया है और कर्सर के बाद में जो लेसन 3 था वो सीधा पेज नंबर 3 पर चला गया है। ठीक है, मतलब ये कि जहाँ पर भी हम क्लिक करके कर्सर रखेंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो सीधा कर्सर पेज को कर्सर वाले स्थान से दो भागों में टुकड़े कर देगा। ठीक है, अब पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज दोनों के लिए शॉर्टकट भी एक ही है। दोनों के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एंटर। तो करके देखते हैं, जैसे मैंने लेसन 2 के पहले कर्सर रखा क्लिक करके और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर किया, तो देखिए कंट्रोल प्लस एंटर करते ही लेसन 1 और लेसन 2 पेज नंबर 2 पर आ गया है। लेसन 3 के आगे मैंने क्लिक किया और कंट्रोल एंटर, तो देखिए लेसन 2 पहले सेकेंड पेज पर रह गया है और लेसन 3 जो है अगले पेज पर आ चुका है। और अगर मैं फिर से कंट्रोल एंटर कर दूंगा तो एक नया कोरा पेज भी आ जाएगा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और मैं यहाँ पर देखिए बीच में कहीं पर क्लिक करके कर्सर रख रहा हूँ और कंट्रोल प्लस एंटर या फिर पेज ब्रेक। तो देखिए पेज ब्रेक हो गया है। फिर से अगर पेज ब्रेक करूँगा या ब्लैंक पेज करूँगा या फिर इनका शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एंटर कर दूंगा तो एक नया कोरा पेज भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दोनों के लिए शॉर्टकट भी एक ही है, कंट्रोल प्लस रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कंट्रोल प्लस एंटर। अब अगर हमने ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक का यूज़ करके पेज में स्पेस दे दी है तो उस स्पेस को हटाने के लिए भी तरीका वही है जो हम पहले करते थे, किसी टेक्स्ट को मिटाने वाला तरीका। जैसे किसी टेक्स्ट पर अगर कहीं कर्सर रखा हुआ है तो बैक स्पेस बटन से एक एक अक्षर लेफ्ट साइड मिटता है और डिलीट बटन से एक एक अक्षर राइट हैंड साइड पर मिट रहा है। ऐसे ही स्पेस अगर है तो स्पेस को भी मिटाने का वही तरीका है। कर्सर के बाद में अगर स्पेस है तो डिलीट 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 डिलीट, और कर्सर के पहले अगर स्पेस है तो बैक स्पेस से हम स्पेस को हटा सकते हैं। तो इसी तरह से ब्लैंक पेज या पेज ब्रेक के द्वारा जो स्पेस आई है, जो पेजेस में गैप आई है, उस गैप को भी मिटाने का तरीका वही है, डिलीट डिलीट या फिर बैक स्पेस। तो कर्सर के पहले अगर स्पेस हो तो बैक स्पेस और कर्सर के बाद में अगर स्पेस हो तो डिलीट का यूज़ करके हम स्पेस को हटा सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है आज की वीडियो में आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।